अजय देवगन इलियाना क्रूज की फिल्म रेड आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अजय देवगन एक इनकम टैक्स ऑफिसर का भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है जो अब तक के सबसे हाई प्रोफाइल रेड केसों में शामिल है, जहां इस फिल्म को कई मशहूर हस्ती सहित क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहीं अब देखते हैं कि मुंबई की ऑडियंस ने क्या कहा। देवगन नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले भी दे चुके हैं और इस मूवी में एक अलग किरदार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। इट वाज द बेस्ट, इट वाज द बेस्ट। सौरभ शुक्ला और अजय देवगन का बेटर परफॉर्मर, बोथ बोथ एक्चुअली इट्स वी कैन नॉट कंपेयर दोस लेजेंड्स लाइक यू नो बोथ हैव वर्कड रियली वेरी गुड इन मूवी। सो या अजय देवगन वाज रियली गुड एंड एज लाइक यू नो एज ताऊजी दैट सौरभ शुक्ला वाज फैंटास्टिक। यानी कुछ खास जो रेड होता है, रेड पड़ती है जब लोगों के घर में छापापा पड़ता है, उस हिसाब से मूवी थी। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा। म्यूजिक केयर में क्या कहेंगे, संगीत कितना अच्छा है? संगीत जो सॉन्ग था वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, बस एक ही सॉन्ग अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा था, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छी एक्टिंग की सबने अच्छी की। इलियाना ड्रिकूज साड़ी में काफ़ी अच्छी लगी। दोनों गाने जो रोमांटिक थे वो दोनों गाने अच्छे लगे। एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तो अजय देवगन का है, एक बाहुबली का किरदार निभाया शुक्ला जी ने, और तीसरा था अम्मा जी का कैरेक्टर, और चौथी थी अपने जो इनकम टैक्स विभाग वाले रहते हैं उनकी बीवी, उनको पावरफुल होना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, एक मैसेज भी दिया है और हर उसमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए आदमी को। आगे थोड़ा ड्रामेटिक गया तो वो अच्छा पार्ट था काफ़ी, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जहाँ पे मतलब आई गेस सॉन्ग्स नहीं बने थे वहाँ पे सॉन्ग्स थे, बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड फिल्म। एंड जैसे वो कह रहे थे कि ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, सो ओवरऑल इट वाज अ प्रीटी गुड फिल्म। अब देखते हैं कि इन सभी ने फिल्म कितने स्टार्स दिए। 5 में से मैं तो 4.5 स्टार देना चाहूँगा। 5 ऑफ कोर्स, 4 थैंक यू, मैं तो 4.5 इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शूट हुई है, तो देखा ना आपने कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी पसंद आई। अब आप हमें बताइए कि आप कब इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। आनेस्ट रिपोर्ट।